छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में करीब 1000 स्कूली छात्र छात्राएं सड़क पर उतर गए हैं। उन्होंने अंबिकापुर रायगढ़ नेशनल हाईवे 43 पर आज चक्का जाम कर दिया। बच्चों के चक्का जाम की वजह से रोड करीब 3 घंटे से बंद है। बता दें कि छात्र छात्राएं हिंदी मीडियम स्कूल को हटाकर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का विरोध कर रहे हैं। साथ ही बच्चों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है, जिसके बाद धीरे धीरे प्रदर्शन में बच्चों के परिजनों सहित बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी समर्थन किया। मौके पर एसडीएम और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हैं और बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग का हिंदी में डबल हो रहा, तो उसको बंद होना नहीं चाहिए। हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? यहाँ हम लोग का मतलब पढ़ना चाहिए। कितनी संख्या होगी यहाँ पे? कम से कम 80 बहुत ज्यादा। बाहर से सूचना मिली थी हमारा स्कूल बंद हो जाएगा बोल के, इसलिए हम सड़क पर चक्का जाम किए हैं। तो क्या लगता है कौन इसको करवा रहा है? भूपेश बघेल करवा रहे हैं स्कूल बंद। हिंदी मीडियम हमारे स्कूलों को मांगों को लेकर है, कि मतलब जो आप भी जा रहे हैं स्कूल कितना पुराना है, 1966 से जो संचालित हो रहा है उसको बंद ना किया जाए। जैसे संचालन हो रहा है वैसे संचालित किया जाए। यहाँ पे बच्चों की इतनी सी मांग है कि यहाँ पे हाई स्कूल जो हिंदी मीडियम है, जहाँ पे आत्मानंद स्कूल को भी खोला जा रहा है, तो बच्चों में ये डाउट है कि अगर आत्मानंद स्कूल खुल जाएगा तो उनका हिंदी मीडियम के स्कूल जो है वो बंद हो जाएगा, जबकि शासन का ऐसा कोई निर्देश नहीं है। हिंदी मीडियम स्कूल यथावत रहेगा और उसमें अभी आत्मानंद स्कूल संचालन करने का आदेश हुआ है। हमारा जो बतौली शांति पारा जो हायर सेकेंडरी विद्यालय है, इसको जो है कांग्रेस की सरकार और अमरजीत भगत ने स्वामी आत्मानंद विद्यालय में मर्ज कर दिया है। हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरा सेटअप अलग से बैठा है। हमारा जो धरोहर स्थल है बतौली और पूरे सरगुजा का है ना।